अच्छा था इका, अच्छा गया, अच्छा गया। कितने बनाए? कितना बनाए थे? 92 बनाए थे। 92 बनाए। कोई डिफिकल्टी मैथ्स में नहीं था? अच्छा ही था सब। सारा एनसीईआरटी बेस्ड था? हाँ, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। पहला अपीयरेंस इससे पहले भी दियो आपको? पहला ही मेरा। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार देके पेपर? अच्छा है क्या? अच्छा निकल जाएगा। अच्छा, आप एनडीए की तरफ आपका रुझान इतना क्यों है? क्योंकि हमको नेवी में जाना है। अच्छा, तो आईए में ओटीए और एक नेवी वाला, कौन सा भरे हो आप? नेवी में भरे हैं। नेवी वाला जी, फर्स्ट। ओके, कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आने का? कितना? 75 कर देते। 75। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके भाई, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने बना लिए आप? मैंने 65 बनाए। 65। ओके, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जब प्रोबेबिलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इजी क्वेश्चन था, वैसा उतना हार्ड नहीं था। फंक्शन से लिमिट कंटिन्यूटी से, इससे भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा एक क्रिटिकल था, तो परम्यूटेशन से था, कॉम्बिनेशन से, और क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी से था। ये सबसे थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन हुआ है मेहनत। इसमें टाइमिंग और एक्यूरेसी, स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। स्पीड जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। 60-70 सेफ जोन में सर लोग बोलते होते, तो 65 से करके आए हैं। देखिए क्या होता है। क्वेश्चन लेंदी था या फिर तुरंत सॉल्व हो जा रहा था? जो कुछ कुछ पोर्शन का जो क्वेश्चन था वो लेंदी था, जैसे हो गया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वो सब का क्वेश्चन लेंदी था ये सब। लेकिन फंक्शन का हो गया, ये सब क्वेश्चन तुरंत ही हो जा रहा था, ज़्यादा लेंदी नहीं था उसका क्वेश्चन। कुछ कुछ पोर्शन का लेंदी था, कुछ कुछ पोर्शन का सही था। डिफेंस में सबसे बेस्ट पोस्ट आपको कौन सा लगता है? एयरफोर्स। एयरफोर्स, एयरफोर्स। अच्छा, किसके लिए आप अप्लाई किए हो? IMA, OTO और जो नेवी वाला सेशन है उसमें? मैं तो IMA को अप्लाई किया। IMA के लिए? ओके। इससे पहले दिए हो आप NDA का, यह पहला अपीयरेंस है? मैं एक बार दे चुका हूँ। पहला अपीयरेंस है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, बस अब एकदम उम्मीद छोड़ के आना है। सेकंड पेपर है बच्चा है, उसमें मचा के आना है, उसके बाद तो सिलेक्शन लेके ही जाएंगे। आई विश फॉर गुड लक। थैंक यू सर। कैसा रहा? सही, ठीक रहा एग्जाम। ठीक रहा। कितना बनाया आप? 120। 120 सारा बना लिए? मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं लगी, सारा आसान था? कितना उम्मीद कर रहे हो आप? 70 आ जाएगा। 70 आ जाएगा। ओके, गुड लक। गुड लक। थैंक यू। मतलब 70% NCERT है। हाँ, NCERT से। बाकी कुछ उससे बाहर, जैसे वेक्टर एंड 3D चैप्टर से आया था, तो वो थोड़ा मतलब मिक्स करके आया था, NCERT और बाहर से भी कुछ था। अच्छा, आपका बोर्ड कौन सा था? मैं बिहार बोर्ड से हूँ। बिहार बोर्ड से। ये पहली बार आपका NDA एक्सपीरियंस है? इससे पहले भी दिए हो आप? इससे पहले भी एक बार दिए हैं। कोई डिफरेंस पहले वाले और आज में? नहीं, सेम ही था।